हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को हमारा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना? सबको गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सुबह के लगभग हो गए हैं दोस्तों, 10 बज रहे हैं और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है और हम लोगों का खाना पीना भी हो चुका है। क्या सब्जी खाई आज छोटी? हाँ दोस्तों, दाल बनाई थी और भाटा का सब्जी। और आज हम किस टॉपिक से बात करने वाले हैं वो तो आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा। और हमारे मुंह में इतना खुशी जो है, मुस्कान भरी है ना छोटी, मुस्कुरा, खुश हो, बोलो। हाँ, हमारी छोटी भी बहुत ज्यादा हैप्पी है दोस्तों, और उसका रीजन क्या है वो तो आप लोगों को थंबनेल में देख करके पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, काफी दिनों से हमें बहुत ज्यादा इंतजार था और आप लोगों को भी काफी ज्यादा इंतजार था कि हमारा जो है फर्स्ट पेमेंट कब आएगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारा फर्स्ट पेमेंट जो है वो आ चुका है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, है ना छोटी, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। देखिए, अच्छा लग रहा है बोल रही है, काफी ज्यादा खुश हो ना? हाँ, ये आप लोगों का प्यार की बदौलत से दोस्तों हमारे पास आया हुआ है, देखिए। और हम इतना ज्यादा खुश हैं कि बता भी नहीं सकती हूँ मैं, और लफ्जों में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसे देख करके काफी ज्यादा हमें खुश, मतलब बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, मैं तो शुरुआत में यही सोची थी कि जब भी हमारे पास ये आएगा YouTube से, तब भी मैं इसको मेरे हस्बैंड जी के हाथों में थमाऊंगी, ऐसा मैं सोची थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये पैसा सिर्फ उन्हीं के वजह से आया है, भले ही मेहनत मैं की हूँ, लेकिन उन्होंने हमें इजाजत दी दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। किसी किसी घर घर में ना, गांव में बहुओं को इतना इजाजत नहीं देते हैं वीडियो बनाने के लिए, किसी घर पे तो मोबाइल तक नहीं दिया करते हैं, जो कि हमारे ही अड़ोस पड़ोस में है तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हमें उन्होंने इजाजत दिया वीडियो बनाने के लिए, सारा चीज करने के लिए उन्होंने छूट दिया। तो ये पैसा मैं उन्हीं को दूंगी दोस्तों, और वो इतने शर्मीले हो गए हैं दोस्तों कि वो कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं रियल बोल रही हूँ कि ये मैं उन्हीं के हाथों में दूंगी, क्योंकि उनके वजह से ही हमें ये प्राप्त हुए हैं और हमारा फैमिली काफी ज्यादा खुश है दोस्तों इसके वजह से। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेमेंट है दोस्तों। मैंने कभी नहीं सोची थी कि इतना जल्दी प्राप्त कर लूंगी और इतना ज्यादा दोस्तों, जितना भी है काफी है, बहुत ज्यादा है। तो कितना है वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, तो बने रहिए ब्लॉग के लास्ट तक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बनाए या फिर ना बनाए, पैसा मिलेगा या फिर ना मिलेगा यूट्यूब से, तो ये दिमाग से ना आप बिल्कुल हटा दीजिए। मिलेगा, 100% मिलेगा, ये हमें भी मिला हुआ है। कहाँ से मिला है बेटा पैसा बताओ? कहाँ से? बैंक से। बैंक से? तो फिर वीडियो का मिला है या फिर कमाए हैं इसको? नहीं कमाया, हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाए थे उसका मिला हुआ है, कमाए नहीं है। वैसे तो मेहनत हुआ है, वीडियो बनाने से भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। कुछ भी काम कीजिएगा, मेहनत सब में लगता है। आप बताइए, कोई भी जॉब करता है, नौकरी लग जाता है, उनको भगवान ऐसे ही नहीं बोल देता कि बेटा तुम वहां पे जाओ जॉब करना, तुम टीचर बन जाओ, ऐसा। उसमें भी मम्मी पापा लोगों का खून पसीना बहाया हुआ, एक एक पैसा जुटा जुटा करके देते हैं पढ़ाई के लिए। तब जा करके उन लोगों ने 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, तब उनका जॉब लगता है। तो फिर वही चीज है, इसमें भी वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है दोस्तों, तब जाकर के सफलता मिलती है, तो फिर पैसा आता है। तो आप लोगों से यही कहूंगी, अगर आप लोग मेरे जैसे एक हाउस वाइफ है और बच्चों को संभाल रहे हैं घर पर और घर का देख रेख करते हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं और जो है अपने घर की जिम्मेदारियों को थोड़ा सा अपने पति का हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है दोस्तों। देखिए, आज लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा रही हूँ दोस्तों। मैं पैसे के लिए काफी ज्यादा रोई हूँ बचपन में, पैसा का अहमियत मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए दोस्तों, और हमें आगे तक ले चलिए। बस यही आप लोगों से
कामना है कि आप लोग हमें दिल से सपोर्ट कीजिए और जितना हो सकता है आप लोग शेयर भी कीजिए। दोस्तों कितना पैसा आया है और कितना दिन लग गया आने में वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों का काफी सारे हमारे फ्रेंड्स के सवाल होते थे कि बहन आपका पेमेंट आ गया, कितना आया है और जो है कितने मंथ में आया है, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग के लास्ट तक और पूरा सुनिएगा दोस्तों, तो ही आप लोगों को समझ में आएगी कि कितने दिनों के बाद मिला और क्या करना पड़ा और कैसे मिला, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों मैं तो इस YouTube पर आए हुए हमें 3 साल हो गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 साल के बाद मिला है फर्स्ट पेमेंट, तो ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि उसमें मेरी कमी थी, नहीं तो पहले ही मिल जाता। तो क्या कमी थी वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट चैनल मैंने बनाया हुआ था वो मैंने तो 2021 में बनाई थी फर्स्ट चैनल, उसको मैंने 1 साल तक काम की दोस्तों, उसके बाद में उसको मैं छोड़ दी। और क्या प्रॉब्लम था, किस लिए छोड़ दी वो भी बता रही हूँ। तो मैंने जब खोली थी दोस्तों फर्स्ट चैनल इस YouTube पर, तो काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हुआ था और सभी लोगों को मैंने बता दिया था कि मैंने एक चैनल खोली है, आप लोग भी देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा इसे पड़ोस वालों को। तो वही गलती मैंने की थी जो कि आप लोग मत कीजिएगा, अगर आप लोग वैसे किए हैं तो ऐसा मत करिएगा दोबारा। तो दोस्तों जब मैं बनाने लगी ना तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग देखने लगे और हमें क्या बोल रहे थे पता है, कि ये हीरोइन बन रही है, ये नाचती है, वीडियो बनाती है, मतलब बाजारू औरत बन जा रही है, ठीक है। तो मैं आज मेरे गांव के लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे ऊपर ऐसे ऐसे बातें बोलते थे उनको, यदि मैं आप लोगों से पैसे मांगती उधार में, चाहे हमें जरूरत ही पड़ता तो क्या आप देते, नहीं देते ना, देते भी तो आप वापस ले लेती, लेकिन मैं इसी पैसे के लिए मेहनत करती थी, इसी पैसे के लिए, और आज मेरा मेहनत रंग लाया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग किसी को ऐसा ना बोलिएगा, क्योंकि किसी को कितना जरूरत है और क्या प्रॉब्लम है ये हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ अपने परिवार वाले और अपने ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो फर्स्ट चैनल छोड़ दी थी। उसके बाद में दोस्तों मैं दूसरा चैनल खोली और जो है फर्स्ट चैनल मैंने छोड़ दिया, अब भी है वो चैनल, अब जो है कभी कभी मैं उसमें टाइम पास के लिए कभी कभी टाइम रहता है और MB रहता है तो अपना शॉर्ट ब्लॉग सब डाला करती हूँ उसमें, तो फिर उसको छोड़ दी और इसको बनाई। तो इसको मैं किसी को नहीं बताई, अपने फैमिली या फिर अपने पड़ोस वालों को भी नहीं बताई, उतना तक कि मेरे घर के मम्मी बहन जो भी हैं उनको भी नहीं बताई, बहुत ज़्यादा गुप्त रखी सिर्फ मेरे पति के अलावा। तो हमारे पास एक ही फोन थे दोस्तों, तो पति तो को जानना ही चाहिए और वो तो जानेंगे ही, क्योंकि दोनों एक ही फोन को पकड़ते थे, वो भी पकड़ते थे मैं भी पकड़ती थी, तो वो जानते थे। तो मैं जब वो पकड़ते थे उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी, जब भी मुझे टाइम मिलता तब भी मैं बना करके डाला करती थी। तो उस चैनल पे मैं क्या की, जो न्यू खोली थी उसमें शॉर्ट डालने लगी। तो फिर दोस्तों 7 मंथ के बाद 1000 हमारा सब्सक्राइब फाइनली कम्प्लीट हो चुका, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली, लेकिन मोनेटाइज घंटा हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें चाहिए 4000 वॉच टाइम। तो दोस्तों 4000 वॉच टाइम के लिए मुझे क्या क्या ना करना पड़ा, मैंने 3 बार से अपना टॉपिक चेंज कर दी तब जा करके मेरा जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो पाया। उसके बाद में वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद मोनेटाइज कराई, मोनेटाइज हुआ हमारा जनवरी में, वो भी वॉच टाइम कंप्लीट होने में हमें साल भर लग गए। साल भर होने के बाद मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद ज़्यादा दिन नहीं लगे गूगल एडसेंस पिन आने में, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी सारा हमें प्यार मिलने लगा और हम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगे, तो ज़्यादा दिन नहीं लगा आ गए। उसके बाद में मैं गूगल एडसेंस पिन को भी अप्लाई कर दी, वो भी अच्छे से हो गया। फिर जो है काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन गुजर गए, जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे हमारा कंप्लीट भी होने लगा फर्स्ट पेमेंट, और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलने लगा देख करके डॉलर बनते हुए। तो फिर हमारा जो है 21 अगस्त को कंप्लीट हो गए थे हमारा $100। तो मैं सोची कि अब मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब मैंने सारा चीज़ सबमिट कर दी, खाते वगैरह सारा चीज़, फिर भी प्रॉब्लम, पैसा आया ही नहीं।
मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर दी, क्या हो गया, क्यों पैसा नहीं मिल रहा, मैंने इतना मेहनत किया, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो भाई को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, आज मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और उस भाई ने मेरा काफी ज्यादा हेल्प भी किया था। और स्विफ्ट कोड दोस्तों, खास करके स्विफ्ट कोड, मेहनत लगा और काफी स्ट्रगल के बाद हमें मिला दोस्तों, और जैसे भी मिला बहुत ज्यादा खुश हैं। और आप लोगों की यदि सवाल है कि कितना मिला है ये पेमेंट, तो दोस्तों मैं इस YouTube पर तो आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी कि मिला कितना है, बट दिखा सकती हूँ, देखिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मिला कितना है। और आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन जो है ना Instagram पे मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे रूल्स के खिलाफ है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। तो दोस्तों यदि मैं आप लोगों को कुछ चीज का मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी भाई बहन माता पिता देख रहे हैं, तो उन सभी से ये भी कहूंगी कि आप लोग सोशल मीडिया पे पैसा कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम अपना घर का काम करके, तो आप लोग बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो बनाइए और पैसा कमाइए इस तरीके से, अपने पति का, अपने घर का थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए दोस्तों। जो कि मैंने आज घर पर काम करके, अपना घर का कचरा फेंक करके, आज मैं हमारे पति की हेल्प कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वो भी ज़्यादा काम करने नहीं पाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स को पता है कि उनको हुआ क्या था, अगर नहीं पता है तो आप लोग जा करके देखिएगा हमारे ब्लॉग्स में जनवरी मंथ का, उसमें मैं थंबनेल में ही लिख दी हूँ कि जैसे ही 2024 आया और हमारे घर पे किसकी नजर लग गई है, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हुआ क्या था और अब तक सही नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा, तो मैं जल्द ही उनको भी अच्छे से इलाज कराएंगे और ठीक हो जाएंगे पहले जैसे। तो दोस्तों, और हमारे गाँव की महिलाएं बोलते हैं कि पैसा वगैरह नहीं मिलता है, तो आप लोग देखिए मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे जो भी है भाई बहन, देखा इतना ज्यादा पैसा मिली से वीडियो बनाए कि तुमन बेकार समय ला मत गवावा, तुमन बनावा और पैसा कमावा पार्ट टाइम, ऐसे अपन फैमिली का हेल्प करा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर से कहूंगी आप लोगों को मेरी ओर से दिल से धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से समाप्त करती हूँ अपना ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।